मुसलमानों के लिए नहीं कर रही है, ये अपने मुल्क के लिए कर रही है, अपने मुल्क की बका के लिए कर रही है, अपने मुल्क के लोगों के जान बचाने के लिए कर रही है। तो मैं अपने मीडिया के भाइयों से गुजारिश करूंगा कि इस बात को जार आप लोग लिखें और अपने कलम और रोशनी के जरिए लोगों तक पहुंचाएं कि किस तरह से आज जमात, जिसको एक वक्त था कि टैग दिया जाएगी अच्छा था कि कोरोना, आज जमात की वजह से पूरे हिंदुस्तान में फैला है। आज जहां हिंदुस्तान की वो सरकार न ऑक्सीजन दे पा रही है न वैक्सीन दे पा रही है, वहां इतनी मुश्किलों के बावजूद भी आज जमात के लोग अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के जरिए ही सही लोगों के अंदर, जिसको बोलते हैं, अपना खिदमत पेश कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जमात इस्लामी का और अपने वॉलेंटियर्स का, इलाके के तमाम लोगों का और तमाम जो इस कोविड केयर सेंटर से जुड़े हैं, जिन लोगों ने भी अपने अपने तौर पे जो भी वसाइल यहाँ कायम किए हैं, जिनके वजह से आज ये कोविड सेंटर हम लोगों ने यहाँ कायम करता हूँ। और आप लोगों से और इलाके के लोगों से यही इल्तिजा करूंगा कि ये कोविड केयर सेंटर हमारे राज्य का सेंटर है, हमको और आपको इसकी हिफाजत करनी है और कोविड खत्म नहीं हो रहा है। लोगों में पिछले बार भी एक गलतफहमी हो गई थी कि लॉकडाउन खत्म हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि कोविड खत्म हो गया, और अभी भी लॉकडाउन है तो लोगों को लग रहा है लॉकडाउन में कोविड की गिनती में कमी आई है तो कोविड खत्म हो गया, लॉकडाउन खुलेगा तो फिर हम अपनी आम जो जिंदगी में वापस जो है आम जिंदगी को जिस तरह से गुजर बसर करते हैं वैसे ही हम लोग अपनी आम जिंदगी में लौट जाएंगे। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये भूल दोबारा ना करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड लोग से मुकाबला करना है और इस बीमारी से हम लोगों को एहतियात बरतना है, एहतियाती सबसे बड़ी पहला कदम है इस बीमारी को रोकने का। तो हम लोग भीड़ भाड़ नहीं लगाए, जो सरकार हैंड सैनिटाइज करे, हाथ धो ले, कपड़े बदल ले, नहा ले, वैक्सीन निकल आया तो वैक्सीनेशन कर ले, ताकि और ममालिक में जिस तरह से वैक्सीन की बेनिफिट देखी जा रही है, जैसे कि अमरीका, ब्रिटानिया, इन सब जगहों में जहां जहां लोग 30% 40% पॉपुलेशन वैक्सीन ले चुकी है तो वहां कोरोना में काफी कमी देखी जा रही है। आज तौसिया में एक कोविड सेंटर का इफ्तिताह हुआ केबी हॉस्पिटल में। जमात इस्लामी हिंद मगरी बंगाल के जेर अहतमाम तौसिया में कोविड सेफ होम का इफ्तिताह आज अमीर हलका मौलाना अब्दुल रफीक और हकूमत मगरी बंगाल में वजीर जनाब जावेद अहमद खान ने किया। वाजा हो कि तौसिया के केबी हॉस्पिटल में आज जमात ने 20 बेड का ऑक्सीजन के साथ सेफ होम कायम किया। यहाँ कोविड से मुतासिर मरीजों के इब्तदाई इलाज की सहूलत रहेगी। आज के प्रोग्राम में अमीर हलका अब्दुल रफीक साहब, जनाब जावेद अहमद खान, कोऑर्डिनेटर फैज़ अहमद खान और इमरान खान जनाब, और इसमें जो है शादाब मासूम और दीगर लोग, काफ़ी लोग यहाँ पे शरीक हुए। आप जैसे कि तस्वीर में देख सकते हैं कि जावेद अहमद खान जो है कोविड सेंटर का, केबी हॉस्पिटल का इफ्तिताह कर रहे हैं और इनके साथ काफ़ी लोग आ गए। आज इस कोरोना के मौत के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोलकाता तौसिया इलाका में केबी हॉस्पिटल को कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया। केबी हॉस्पिटल तौसिया का कोरोना के मरीजों का 24 घंटा डॉक्टरों की निगरानी में इलाज किया जाएगा, साथ में खाना पानी ऑक्सीजन दवाई वगैरह सब कुछ वहीं दिया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर से हर आदमी परेशान है, इसी वक्त इलाज नहीं मिलने पर आदमी की मौत हो जा रही है। इसको देखते हुए केबी हॉस्पिटल तौसिया जमात इस्लामी हिंद की मदद से एक कोविड सेंटर बनाया गया है। केबी हॉस्पिटल तौसिया को अब कोविड हॉस्पिटल में तब्दील हो गया है, जिसमें 30 बेड लगाया गया है और इसे अस्पताल का इफ्तिताह MLA के कस्बा असेंबली के जावेद अहमद खान के हाथों हुआ और इसमें इमरान खान भी मौजूद थे और कोऑर्डिनेटर फैज़ अहमद खान और इलाके के जो काफ़ी लोग इसमें शामिल हुए, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा इस इलाके में इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है यहाँ पे कोविड सेंटर खोलने के लिए। ये लोग हर वक्त 24 घंटा इसी हॉस्पिटल में रहेंगे और कोरोना मरीज़ की मदद करेंगे, उन लोगों को जिस चीज़ का बंदोबस्त होगा वो करेंगे और यहाँ पे इलाज वगैरह सब कुछ फ्री होगा। आइए कोऑर्डिनेटर फैज अहमद खान ने क्या कहा। मैं मोहम्मद जावेद खान, JKB कोलकाता न्यूज़। मैं जमात इस्लामी हिंद को तहदिल से मुबारकबाद देता हूँ कि उन लोगों की कोशिशों के बाद आज जो है हम लोगों ने यहाँ 30 बेड का एक कोविड केयर सेंटर की जो है इफ्तिताह की है और सिर्फ इलाके के लोग नहीं, आसपास के इलाके के लोगों को भी इस सेंटर से अगर जो है कोई फ़ायदा पहुंच सके उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज यहाँ कोविड केयर सेंटर का यहाँ शुरुआत की गई है। अच्छा, ये
इंसानियत का कोई जिसको बोलते हैं कि मजहब नहीं होता है, ये इंसानों के लिए किया गया है। बेशक मुसलमान इलाके में है, लेकिन पास ही में पिंगली गार्डन का इलाका भी है, वहाँ हमारे हिंदू भाई बहन भी रहते हैं। किसी को भी ज़रूरत पड़े, जिनके यहाँ घरों में अगर जगह की तंगी है या हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रहा है, तो आप लोग हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से हॉस्पिटल भी ओवरबर्डन है। ओवरबर्डन होने की वजह से लोगों की भर्ती नहीं हो पाती है, तो उस वक्त लोगों को परेशानी का सामना फेस करना पड़ता है। उसी परेशानी को सामने रखते हुए जमात इस्लामी ने आज ये यहाँ पे ये कोविड केयर सेंटर की इफ्तिताह की है, ताकि ऐसे लोगों को हम लोग जो है शुरुआती तौर पे, मैंने हॉस्पिटल अगर कहीं जगह मिलने में डिले हो रहा है तो इमरजेंसी सिचुएशन के तहत उनको यहाँ से मैंने जो है मदद दिया जा सके। अच्छा, यहाँ किसी किस्म की मैंने रकमी पैसे की कोई बात नहीं है, जमात इस्लामी टोटली वॉलेंटरी सर्विस कर रही है। जैसा कि आपने देखा, कोऑर्डिनेटर फैज़ अहमद खान साहब ने बता रहे थे कि तो इसके साथ ही केवी हॉस्पिटल में जो है कोरोना का जो है पेशेंट अभी एडमिट होने लगेगा। देखिए, कोविड के ये जो सेफ होम है, ये तोपशिया की आवाम के लिए है। हम उम्मीद करेंगे कि तोपशिया की आइंदा कोई भी कोविड पेशेंट बगैर ट्रीटमेंट के इंशाल्लाह दुनिया से रुखसत नहीं होंगे, और ये कोविड सेफ होम उनकी ट्रीटमेंट के सिलसिले में जितना जिस तरह से मुआवनत करना चाहिए मुआवनत करेगा इंशाल्लाह। यहाँ ऑक्सीजन फैसिलिटीज़ होगा, दवा होगा, मेडिसिन यहाँ से मुफ्त मिलेगा, और डॉक्टर्स हमेशा यहाँ रहेंगे इंशाल्लाह। हम चाहेंगे कि तोपशिया के लोग जिसकी भी बुखार हो या खांसी हो नाजिला हो वो यहाँ रद्द करे और बगैर ट्रीटमेंट वो ना रहे, यही अपील है यहाँ के आवाम से। और हम उम्मीद करते हैं कि आवाम इंशाल्लाह हम इस सिलसिले में मुआवना करेंगे। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन फ्री हम देंगे इंशाल्लाह, और फिर जो दवा है वो भी इंशाल्लाह हम फ्री देंगे। जब तक हमें ताकत है वो करते रहेंगे, जब ताकत नहीं रहेगा अगर ज़रूरत पर आवाम से अपील करने की, हम आवाम से अपील करेंगे। 30 बेड है और बेड बढ़ाने की गुंजाइश यहाँ है इंशाल्लाह, अगर ज़रूरत पड़े तो इंशाल्लाह बेड बढ़ाया जा सकता है। अभी शुरू में 30 बेड से इसके काम शुरू हो रहा है। इससे बचने की जो तरीका है, एक तो अल्लाह के हुजूर उनकी इस्तगफार और अल्लाह से जोड़ने की उनको कोशिश करना चाहिए, दुआ करना चाहिए। साथ ही साथ जो सेहती तदाबीर है, मास्क लगाना, और फिर कोई भी बुखार वगैरह की सिम्टम्स उनके आए तो फौरी दवा ले, और फिजिकल मेंटेनिंग को मेंटेन करते रहें, फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करें, भीड़ भाड़ ना करें, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो वो बाहर निकलने की कोशिश ना करें, ज़रूरत हो तो बाहर निकले और ना बाहर ना निकले। ये सिर्फ तदाबीर ही से, एहतियात ही से इस बीमारी से दूर रहा जा सकता है, इसलिए इसकी मेंटेन करना चाहिए। आवाम से यही गुजारिश है। इस लहर का जो असर था बहुत तबाहकुन था, और पिछली लहर के बनिस्बत कोविड की इस लहर में एक बड़ी तादाद में लोगों को अपनी जानों से भी हाथ धोना पड़ा है। ऐसे मौके पर ख़ास तौर से जो घनी आबादी वाला इलाका है, जहां एक घर में 10-10 अफराद रहते हैं, वहां खुदा न खास्ता अगर किसी एक आदमी को ये मर्ज़ हो जाता है तो इस मर्ज़ को फैलने में वक्त नहीं लगेगा। तो जमात इस्लामी हिंद ने शुरू से ही ये कोशिश की कि वो लोगों के पास खड़ा हो और लोगों की मदद करे। तो हम लोगों ने शुरू से ही कोशिश की, पूरे मुल्क भर में जमात ये काम कर रही है, हैदराबाद में, बेंगलोर में और मुख्तलिफ जगहों पर जो है हमारा कोविड केयर सेंटर और इस तरह का आइसोलेशन होम चल रहा था। कलकत्ते में हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन इलाकों में लोग खौफ की वजह से तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन जब तोपशिया में हम लोगों ने कोशिश की तो अल्हम्दुलिल्लाह, इस सिलसिले में मैं बिलखसूस हमारे हरदिल अजीज़ MLA और यहाँ के मिनिस्टर जनाब जावेद अहमद ख़ान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके बेटे फैज़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन हजरात ने लब्बैक कहा और लब्बैक कहकर हर तरह से ताउन की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद हम लोग आगे बढ़े। और कलकत्ता के अंदर तोपशिया ये पहला इलाका बन गया, मुस्लिम इलाका, जहाँ पर इस तरह का काम हो रहा है। इसके लिए हम सबसे पहले अपने यहाँ के MLA साहब का और उनके बेटे का शुक्रिया अदा करते हैं, और इंशाल्लाह ये उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जो कोविड केयर सेंटर होगा ये लोगों की मदद करेगा, यहाँ से लोगों की हिफाज़त की जाएगी, और जो भी मरीज़ यहाँ पर आएगा इंशाल्लाह वो यहाँ से शिफायाब होकर जाएगा, इसकी हम लोग कोशिश करेंगे। अभी तो एक ही यहाँ पर चलेगा, इसके अलावा जो है हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर का मरकज़ पूरे मगरबी बंगाल में 50 से ज़ायद जगहों पर चल रहा है, जहाँ से बड़ी तादाद में लोग फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ से ले रहे हैं। ये काम पूरे रियासत में अलग अलग अज़ला में हमारा चल रहा है, लोग वहाँ से इस्तेफादा कर रहे हैं, लोग वहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर हासिल कर रहे हैं।
ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा हेल्प डेस्क, हमारे जमात की जितनी यूनिट्स हैं पूरे बंगाल में हर जगह हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहाँ पर लोगों की मदद की जा रही है, हॉस्पिटल में एडमिशन, एम्बुलेंस से लेकर दीगर चीज़ों में उनकी मदद की जा रही है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू जेकेवी कोलकाता न्यूज़। थैंक यू।